वेलकम टू Debjani क्रिएशंस ट्यूटोरियल। आज मैं सिखाऊंगी आप लोगों को डॉल्फिन। मैं पहले एक डॉल्फिन सिखाए थे, वो था कार्ड हैंगिंग छोटा। आज मैं सिखाऊंगी बिग डॉल्फिन। तो चलिए, पहले डॉल्फिन सीखने के लिए पहले मुझे एक पैटर्न चाहिए। ये है मेरा डॉल्फिन का पैटर्न। डॉल्फिन का पैटर्न व्हाइट कारपेट, येलो कारपेट, ब्लैक कारपेट, ये तीन कलर का कपड़ा चाहिए। स्टफिंग के लिए सिंथेटिक कॉटन और ऐसा आइस चाहिए, टेलर चॉक, पिन, थ्रेड नीडल, मार्कर पिन और सीजर। पहले हम ड्राइंग में लिख लेते हैं कौन सा पार्ट कितना पार्ट होगा, वो लिखते हैं। ये है डॉल्फिन का बॉडी का पार्ट। ये पार्ट होगा टू पार्ट। ये ब्लैक कारपेट में होगा, ब्लैक कारपेट। ये डॉल्फिन का नीचे का पार्ट, बॉडी का लोअर पार्ट है। ये वन पार्ट होगा, वन पार्ट बॉडी लोअर। ये होगा व्हाइट कारपेट। ये टेल, ये बॉडी का इस पार्ट से लगेगा, ये भी व्हाइट पार्ट होगा। ये वन पार्ट व्हाइट कारपेट। ये टू पार्ट येलो कारपेट होगा, टू पार्ट येलो कारपेट। ये टू पार्ट ब्लैक कारपेट। ये टू पार्ट ब्लैक कारपेट। ये टू पार्ट ब्लैक कारपेट। ये मुंह का पार्ट है। ये टू पार्ट ब्लैक कारपेट। टू पार्ट व्हाइट कारपेट। ये वन पार्ट, व्हाइट कारपेट। ये जो पार्ट है, ये सब कलर देख देख के कपड़े में काटना पड़ेगा पहले। तो ब्लैक कारपेट जो है वो एक साइड कर देते हैं। ये वाइट पार्ट है, ये वाइट पार्ट है, ये वाइट पार्ट है, येलो पार्ट एक ही है। अच्छा, ये ब्लैक कारपेट है, यहाँ पे रखती हूँ। ये भी ब्लैक पार्ट है, ये भी ब्लैक कारपेट, वाइट कारपेट और ब्लैक कारपेट। पहले मैं वाइट कारपेट में ड्राइंग कर लेती हूँ। ये वन पार्ट है, मतलब ए पार्ट। अच्छा,
जब फर काटते हैं हम लोग, फर में ऐसे एरो देते हैं, फर का डायरेक्शन देखते हैं, लेकिन ये जो कारपेट है इसमें ऐसे करके समझ में नहीं आता है कहाँ फर का डायरेक्शन किधर है। तो फर भी ना, मीडियम फर, लॉन्ग फर छोड़ के जो कपड़ा है, जैसे चाइनीज़ फर है, नाइलेक्स है, कारपेट है, वॉल्वो है, वो कपड़े में हम लोग स्ट्रेच देखते हैं। स्ट्रेच का मतलब ऐसे ड्राइंग में लिखते हैं, स्ट्रेच का मतलब कपड़े को ऐसे रख के हम लोग ऐसे खींच के देख लेते हैं, इधर ऐसे स्ट्रेच ज़्यादा होता है, यहाँ कम होता है, मतलब स्ट्रेच इधर ऐसे करके देख लेने से इसका स्ट्रेच इधर है, मतलब इधर ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है। तो इसको देख के ऐसे ड्राइंग को बिठाना है, इसको इसका स्ट्रेच इधर है तो मैं ऐसे नहीं बिठा सकती, मैं ऐसे करना पड़ेगा, मुझे ड्राइंग मुझे ऐसे करना पड़ेगा। मैं ऐसे करके इसको वन पार्ट मतलब ए पार्ट ड्राइंग होगा। टेल ये भी वाइट कारपेट में, इसका स्ट्रेच इधर है तो इसको ऐसे ड्राइंग करना है। ये भी वन पार्ट ए पार्ट ड्राइंग की है, इसका स्ट्रेच इधर है तो इसका भी ऐसे करके, इसका टू पार्ट है, ए पार्ट बी पार्ट दो ही होगा, ए पार्ट हो गया बी पार्ट। ये वन पार्ट है मतलब ए पार्ट, इसका स्ट्रेच इधर है। व्हाइट का इतना सा ही ड्राइंग होगा। इसके बाद येलो कपड़ा ले लेते हैं, येलो कपड़ा का भी ऐसे स्ट्रेच है। इसका स्ट्रेच इधर है, ए पार्ट बी पार्ट टू पार्ट है, ए पार्ट बी पार्ट दो ही पार्ट हुआ। इसका दो पार्ट है। अच्छा, अभी मैं ब्लैक कपड़े में ड्राइंग करूंगी। इसका स्ट्रेच भी इधर है तो इसको भी ऐसे करके इस लिख लेते हैं। इसका दो पार्ट है, ए पार्ट बी पार्ट।
ऐसे करके सब ड्राइंग करना है, ए पार्ट बी पार्ट करके, सब इस देख के ए पार्ट बी पार्ट देख के ड्राइंग करना है। मैंने सारा ड्राइंग कर लिए, अब इसको मैं काटूंगी। इसको काटना सेम जैसे कपड़ा काटते हैं वैसे काटना है, ऐसे करके। कितना कितना कपड़ा लगेगा, क्या कितना कॉटन लगता है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे करके सारे कपड़ा काटना पड़ेगा। ऐसे करके वाइट येलो ब्लैक सारे के सारे कपड़े जितना ड्राइंग किए वो काटना पड़ेगा। कटिंग के बाद इसको जॉइंट करना पड़ेगा। अभी मैं जॉइंट दिखा देती हूँ, ये पार्ट के साथ ये पार्ट जॉइंट होगा और ये जो ब्लैक पार्ट है इसमें ये व्हाइट पार्ट, टू पार्ट है, एक इधर एक लगेगा और इधर एक लगेगा ऐसे। इसके साथ ये पार्ट जॉइंट होगा, ये पार्ट और इसका दो पार्ट है, इधर एक जॉइंट होगा और इधर एक जॉइंट होगा। एकदम पॉइंट मिला मिला के जॉइंट करना पड़ेगा, ए पॉइंट और इधर ए पॉइंट। अभी मैं पिन करके रखती हूँ, जब स्टिचिंग करेंगे स्टिच के टाइम एकदम पॉइंट मिला के स्टिच करना पड़ेगा, एकदम ए पॉइंट और इसके साथ ए पॉइंट, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट के साथ ये पॉइंट। अच्छा, इसके बाद ये पार्ट जॉइंट हो, इसको ऐसे करके फोल्ड करके, इसका मिडिल ये है और इसको फोल्ड करके इसका मिडिल ये है।
दिस साइड, ये बॉडी का लोअर पार्ट हो गया, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे और ये यहाँ पे बॉडी का लोअर पार्ट। अभी मैं इसको करूँगी, ये पार्ट इसको यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ पे और ये पार्ट यहाँ पे, ऐसे करके जॉइंट करना है। येलो यहाँ पे, ये येलो पार्ट यहाँ पे, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो मैं जो नया नया वीडियो दूंगी वो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। इसका ये पार्ट जो है, ये दो पार्ट है, ये दो पार्ट दो साइड में लगाना है, एक पार्ट ये है यहाँ पे, ये लगेगा ऐसे, और ये जो पार्ट है ये यहाँ पे लगेगा। ऐसे करके ये दो पार्ट होगा, इसका दो पार्ट होगा ऐसे, और एक ऐसे सेम दो पार्ट होगा ऐसे, इसका भी ये पार्ट यहाँ पे लगेगा। सेम ऐसा दो पार्ट होगा, बॉडी का लोअर पार्ट एक है और साइड पार्ट दो है। अच्छा, इसका मैं पॉइंट कर देती हूँ, 1 2, इसका भी 1 2, मतलब 1 2 ऐसे करके ये जॉइंट होगा, ये 3 4, ये यहाँ से 3 4 ये जॉइंट होगा, 5 6 ये है, 5 6 यहाँ पे जॉइंट होगा, ये है 3 और यहाँ पे 7 हो गया। इसको ऐसे ऐसे दो पार्ट होगा, जॉइंट होगा ऐसा, और 7 ये है, 8 9 ये है, 8 9 इस तरह का बॉडी का साइड पार्ट। अच्छा, और लोअर पार्ट कर देती हूँ, ये है 10 ये है 10,
ये तीन तीन इलेवन ट्वेल्व ये इलेवन ये ट्वेल्व थर्टीन ये थर्टीन ये फोर्टीन 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 और आईज होगा ये पार्ट में यहाँ पे यहाँ पे आइस और एक साइड में यहाँ पे ओपन रहेगा भरने के लिए स्टफिंग करने के लिए ओपन रहेगा. अभी मैं जॉइंट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ. ये मैं मशीन सिलाई कर लूँगी हाथ से बटन स्टिच बोकिया मैंने बैक स्टिच बोलते हैं जिसको बैक स्टिच बटन स्टिच दो ही होता है. और मशीन होगा तो दिखा दिए कैसे मशीन सिलाई होगा फिर दिखा देती हूँ. ऐसे दो पार्ट सिलाई कर लिए दो पार्ट बॉडी का साइड पार्ट है और एक लोअर पार्ट. अब इसको जॉइंट करना है. ऐसे ऐसे करके इसको जॉइंट करना है. एकदम जॉइंट जॉइंट से मिला के अभी राफ स्टिच कर रही हूँ मैं. राउंड स्टिच करके फिर फाइनल सिलाई करेंगे. ऐसे करके ये दो पार्ट ज्वाइन कर जॉइंट जॉइंट मिला के सिलाई करना. जॉइंट जॉइंट मिली मिला के ऐसे स्टिच करके इतना सा ऐसे पूरा सिलाई हो जाएगा. इसको पूरा सिलाई होने के बाद फिर ये सब सिलाई हो जाएगा. पेन मार देते हैं यहाँ पे. दो पार्ट जॉइंट हो गया. इसको ऐसे करके ऐसा दिखने में ऐसा होगा. इसके ऊपर ये वाइट वाला पार्ट जॉइंट करना एकदम मिला मिला के जैसे ये टेल ऐसे ऐसे करके विंग्स है इसको भी ऐसे करके ये वाइट यहाँ के जॉइंट करना है. इसको ऐसे ऐसे टेल ऐसे ऐसे करके पूरा सिलाई करके
सिर्फ यहाँ इतना सा छोड़ना है स्टफिंग के लिए। अब पूरा सिलाई करना है ऐसे पूरा मिला के, पूरा सिलाई करना है इतना सा छोड़ना है। दो पार्ट सिलाई हो गया, ऐसे करके सिलाई किए, ऐसे दिखने में ऐसा हो जाए ऐसे। सिर्फ यहाँ पे ओपन रखें स्टफिंग के लिए। अभी आइज का पॉइंट करेंगे, यहाँ पे आइज का पॉइंट हो, इसको ऐसे करके थोड़ा सा केची का सीजर का मुंह थोड़ा सा रख के काटना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं कट जाएगा, ज़्यादा कट जाएगा तो आइस नहीं बिठा सकते। ऐसे करके सिर्फ ऐसे बस, और यहाँ से इसको सीधा करना है। इसको पूरा सीधा करके उसमें स्टफिंग डाल, कितना कपड़ा लगेगा, कितना स्टफिंग, क्या क्या लगता है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पे दिया हुआ है, सब मिल जाएगा वहाँ पे। इसको ऐसा ऐसा करके सीधा करके ऐसे ऐसे करके सीधा करना है। सीधा कर अभी आँख लगाएंगे, इसका डॉल्फिन का आँख लगाएंगे। इसमें ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आँख लगाना, रेड आइज ना मिले तो येलो आइज लगा सकते, वाइट कलर का आइज लगा सकते, रेड और येलो अच्छा लगता है। ऐसे करके ये वॉशर है इसको लगा देंगे पीछे से। इसका पहले ये इसका छोटा छोटा जगह जहाँ पे हैं वहीं पे पहले कॉटन डालना है। जैसे इसका टेल में ऐसे करके कॉटन, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का करके स्टफिंग करना है।
पहले बॉडी में दे देंगे तो इस जगह पे ये जो टेल है वहाँ पे कॉटन नहीं जाएगा। पहले यहाँ पे डालना है कॉटन। इसका स्टफिंग हो गया। अभी मैं सुई से जहाँ पे कॉटन नहीं गया है, जैसे यहाँ पे कॉटन नहीं है, तो मैं थोड़ा सा ऐसे करके कॉटन को यहाँ पे दे देती हूँ। ऐसे ऐसे करने से क्या होता है, जहाँ पे कॉटन नहीं है वो कॉटन वहीं पे चला जाएगा ऐसे। और कॉटन भी ज़्यादा हो तो वो कम माने सॉफ्ट हो जाएगा, निकल जाएगा। ज़्यादा हो जाए तो निकल जाता है। अभी मैं इसको बंद कर दूँगी सिलाई करके। ये लैडर स्टिच है, ऐसे एक बार ऐसे एक बार ऐसे करके करना पड़ता है। मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए। जब मैं कोई नया सॉफ्टवेयर का वीडियो दूंगी तो आप लोग देख सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कितना क्या लगता है सब कुछ दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा कितना कपड़ा लगेगा, कितना कॉटन लगेगा, सब कुछ मिल जाएगा। ऐसे करके सिलाई करके बंद कर दीजिए। ये हो गया बिग डॉल्फिन।